सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया, यानी प्रकट हो गया। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह एक बच्चा आ गया और उस बच्चे ने बोला कि अंकल आप हमारे को एक ऐसी चील काट पतंग दे दो जो डबल कलर की हो। तो फ्रेंड्स, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि डबल कलर की चील काट कौन सी पतंग। मैंने सोचा या तो अधरंगा मांग रहा होगा, या पटियल मांग रहा होगा, या तो तोक मांग रहा होगा। फ्रेंड्स, फिर उसने मेरे को बताया कि उसके दादाजी ने बोला है कि ऐसा पतंग आता था पहले जिसमें डबल कलर होता था, यानी पतंग की एक तरफ जो है लाल दिखता था, दूसरी तरफ काली दिखती थी, एक तरफ पीला दिखता था तो दूसरी तरफ हरा दिखता था। तो ऐसा फ्रेंड्स उसके दादाजी ने उस बच्चे को समझाया है कि इस तरह की पतंगें पहले मिलती थी। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि इस तरह का पेपर ही नहीं आता है। तो बच्चे ने बताया कि अंकल पहले जर्मनी से पेपर आता था, वो जर्मन पेपर जो ऐसा होता था कि एक तरफ रेड एक तरफ ब्लैक होता था, या एक तरफ ग्रीन एक तरफ ऑरेंज होता था। तो मैंने कहा फ्रेंड्स, मैंने उस बच्चे को बताया कि मैंने तो आज तक इस तरह का पेपर देखा नहीं, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गया कि अंकल आपको बना के देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने आइडिया लगाया, ऑरेंज कलर, ये देख सकते हैं आप, ऑरेंज और ये ब्लू कलर का पेपर लिया मैंने। फ्रेंड्स, मैंने पतंग को देखिए इस तरह से बना दिया। ये चील काट पतंग है, चील काट शेप तो बहुत अच्छा है, और इधर से ऑरेंज। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि एक तरफ ब्लू लगा दिया है, और मतलब दो पेपर्स लिए हैं, एक तरफ ब्लू चिपका दिया और इस पर ऑरेंज। अब छोटा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, उसको समझाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और तो फ्रेंड्स, मैंने ये बना दिया, बना तो दिया फ्रेंड्स, पर ये उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, क्योंकि ये तो दो पेपर है, पतंग हैवी हो गई है काफ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें कन्ना बात करके थोड़ा सा ट्राई करके देख ले, नहीं तो वो बच्चा तो बहुत चिल्लाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो पेपर उस बच्चे ने खुद ला करके दिया, और ये स्टेशनरी शॉप से पेपर ला के दिया, ये अजंता भी नहीं, कडीमा भी नहीं है, ये इतना घटिया पेपर है फ्रेंड्स। अगर मैं इसमें फेविकॉल लगा करके ऐसे ऐसे करता फ्रेंड्स, ये इतना बिल्कुल एकदम इस तरह का पेपर आप देख सकते हैं, पूरा फट जा रहा है, और बहुत ही बेकार पेपर है फ्रेंड्स। और इतने बेकार पेपर से फ्रेंड्स पतंग बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, देख सकते हैं आप। ये ब्लू वाला भी ऐसा ही है और ऑरेंज वाला भी ऐसा ही है। तो लेकिन फ्रेंड्स, ये पतंग हमने बना दी, अब उसको मैं बोलता हूँ ये ले भाई, यही बनी है, और ये जर्मन पेपर तो नहीं है, इंडियन पेपर है। और तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम एक कन्ना बांधते हैं, और कन्ना बांध करके यहीं से ही थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, उड़ता भी है कि नहीं उड़ता है। अगर ये नहीं उड़ेगा तो वो बच्चा भी एक घंटे बाद आएगा लेने के लिए, तो बिल्कुल मेरे ऊपर बिल्कुल आ करके ना आग बबूला हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसको कन्ना बात करके थोड़ा सा हम आपको उड़ा करके दिखाते हैं कि उड़ता भी है कि नहीं उड़ता है, आई डोंट नो क्या होगा। तो बना तो दिया हमने, वो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से के मारे बोले अंकल हमको ये पतंग चाहिए ही नहीं है, तो उड़ती भी नहीं है। तो इसका उड़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर ये नहीं उड़ पाया ना तो मेरी बेइज्जती बड़ी ख़राब हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ। तो ये मैंने कन्ना बांधने का प्रोसेस शुरू कर दिया, और इधर से एक तरफ से ब्लू है, और अगर ये पतंग कल को कट जाएगी तो किसी को मिलेगा तो वो भी हैरान होगा, यार ये कैसा पतंग है, बड़ा अजीब सा ही है, क्या तिकड़मबाजी करके पतंग बना दी है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका पेपर इतना घटिया था कि इसके पेपर से जो है, सिंगल पेपर से अगर मैं पतंग बनाता ना तो फ्रेंड्स पतंग उड़ नहीं पाती, ये फट फट करके गिरती आसमान में, उड़ाने से पहले ही जैसे आप थुनकी मारते ना, थपकी मारते हो, ऐसे ही फट जाती। फ्रेंड्स, खींचने की तो बात बहुत दूर की है, और लेकिन एक बात बता दूं फ्रेंड्स, इसका शेप बहुत अच्छा है, आप देखो चील काट का पूरा एकदम शेप है, चील काट तो ये बन गया फ्रेंड्स, लेकिन डबल पेपर ऐसा आता नहीं। और पता नहीं अगर कोई बहुत ही पुराना क्लब काइट फाइटर हो, बहुत पुराना, जिसकी उम्र 80-90 साल हो, यानी मेरे से कम 20-25 साल बड़ा हो, तो फ्रेंड्स उसको आइडिया होगा कि इस तरह का पेपर आता भी था कि नहीं आता था। आई डोंट नो एनीथिंग, बट व्हाट इज़ दिस, कि ये बन गया है, अब बन गया है तो इसको उड़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो मेरी ऐसी बेइज्जती ख़राब होगी, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये मैंने कन्ना बांध दिया है, और थोड़ा सा झप ओढ़ लेता हूँ सामने से, ओ माई गॉड, बड़ा अजीब सा ही लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। चक्कू सुआ ये सब साइड में कर दूँ, और इसी गिटक से ही उड़ा देता हूँ यार। A few moments later, फ्रेंड्स अब हम लोग इसको उड़ाने लग रहे हैं, छत पे आ गए हैं हम लोग, और नीचे से उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग छत पे आ गए हैं। तो चलिए उड़ा करके देखते हैं उड़ने में कैसा है, और ओ यार ये तो सही उड़ गई, बहुत ही सही दिख रही है चील काट, ओ माय गॉड, डबल पेपर लेकर के उड़ रही है, और ये सीधी भी है बिल्कुल एकदम, सही चक्कर जा रहा है भाई इसका तो,
और इधर का चक्कर भी चेक करूँ, ये भी सही जा रहा है भाई, बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन अभी हमारे को तो सामने से ब्लू दिख रहा है लेकिन पीछे इसका ऑरेंज है। जो पतंग के उस तरफ जो लोग खड़े होंगे तो उनको तो फ्रेंड्स जो है ऑरेंज दिखेगा, उनको ब्लू नहीं दिखेगा, और हमारे को जो है ब्लू दिखेगा ऑरेंज नहीं दिखेगा। तो एक झप मार करके देखता हूँ, शायद झप मारने से इसका पीछे कैसा दिख जाए। वो दिख गई, ओ माय गॉड दिख गई, झप मारने से पीछे कैसा दिख गया। तो एक और झप मार करके देखता हूँ, बड़ा मज़ा आया अभी झप मार करके। आगे पतंग लड़ रही है फ्रेंड्स, दो तीन पतंगें लड़ रही हैं। कल बहुत बारिश हुई है यहाँ पे, फिर से खेचता हूँ, वो स्ट्रेट है भाई बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। अब यहाँ से एक झप मारता हूँ, वो देखिए ऑरेंज दिखी फ्रेंड्स, और एक बार ऐसा खड़ा झप मारता हूँ, ये दिखी। तो फ्रेंड्स मस्त है पतंग, आपको मैं बता दूँ, दो पेपर से बना हुआ पतंग है, यानी इससे बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसको उतार लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको उतारना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा और डोर निकाल करके पूरा खींचते हुए उतारेंगे। आज हवा की स्पीड बहुत अच्छी है, काइट फाइटिंग करके बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर बाद बहुत पतंगें उड़ेंगी, अभी तो दोपहर हो रहा है, सूरज की तरफ भेज दिया फ्रेंड्स, एकदम उल्टा भेज दिया। आ गई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पतंग मस्त है, उड़ने में भी सही है, डबल पेपर लगा करके भी पतंग बन सकता है। ये देखिए हमने बना दिया और बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी हमने। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ऐसे उत्पटांग वीडियोस को देखते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।